नमस्कार, जेएससीसी सीजीएल से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। धनबाद से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद, इतने कड़े इंतजाम के बाद, सुरक्षा के बाद भी जो है दो लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। एग्जाम को प्रभावित करने की कोशिश में धनबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ राजमोहन जी हैं, जो लोग लाइव से जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि देखिए कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से आज से एक दिन पहले जो है जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा को सुचारू रूप से फेयरली लेने के लिए जो है अधिकारियों को निर्देश दिए, इंटरनेट सेवा तक जो है बंद कर दी गई, इसके बावजूद जो है इसे प्रभावित करने की साजिश की गई, कोशिश की गई, जिसे जो है झारखंड पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पूरा मामला क्या है राजमोहन जी, बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त झारखंड में जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही है उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। खुद उन्होंने इसको लेकर एक तरीके से वार्निंग जारी की थी सोशल मीडिया पर, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि कोई गलती से भी गलती ना करे वरना उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो आपने देखा कि इंटरनेट भी बंद हुआ झारखंड में, और ये कहा जा रहा था कि PIL वगैरह जो जनहित याचिकाएं लग रही हैं कि उसको लेकर भी आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। आज भी उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ये जो PIL ब्रिगेड चल रहा है इससे सावधान हो जाइए, जब भी हम कुछ करते हैं तो बीजेपी वाले जो है वो चाहिए। सियासत चली चुकी, चुनावी माहौल है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ जाई है कि सीजीएल परीक्षा को प्रभावित करने की साजिश हो रही थी, और जिसको लेकर लोहरदगा SP की सूचना पर धनबाद पुलिस ने कार्रवाई की है, और धनबाद में दो लड़कों की गिरफ्तारी की गई है। उनमें से एक जो है वो जहानाबाद का रहने वाला है और दूसरा जो है बोकारो के गोमिया का रहने वाला है। अच्छा। और उन दो लड़कों के पास से उन 21 लड़कों की लिस्ट बरामद हुई है, साथ ही खाली चेक, ATM कार्ड और कुछ मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद की है। धनबाद के SSP हैं HP जनार्दन, उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि लोहरदगा SP द्वारा सूचना मिली थी कि धनबाद में कुछ लड़के जेएसएससी परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद SDPO सिंदरी भूपेंद्र राउत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और गठित टीम ने झरिया थाना क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो लड़कों को गिरफ्तार किया, इनमें से एक जहानाबाद का रहने वाला जबकि दूसरा बोकारो के गोमिया का रहने वाला है। SSP ने बताया है कि लड़कों के पास से 3 मोबाइल फोन, 3 ATM कार्ड, 3 बैंकों के खाली बैंक चेक बरामद किए हैं। एक लिस्ट भी बरामद की गई जिसमें कुछ लड़कों के नाम और परीक्षा केंद्र के नाम अंकित हैं, और यहीं से जो है इसके तार जुड़े हैं जैसे सीजीएल परीक्षा को लेकर। और इस लिस्ट में कुल 21 लड़कों के नाम हैं। लोहरदगा SP को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है, जिन्होंने सूचना दी, चूंकि धनबाद पुलिस को सूचना लोहरदगा SP की तरफ से आई थी, इसलिए लोहरदगा SP को सूचित किया गया है। अब मामले में लोहरदगा पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो आप देखिए कि दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है धनबाद में, और एक उसमें से बिहार के जहानाबाद का रहने वाला, और एक झारखंड के ही बोकारो के गोमिया का रहने वाला है। अब इनके पास से कुछ सामग्री बरामद हुई है, 21 लड़कों की उसमें लिस्ट है, और साथ ही साथ कुछ परीक्षा केंद्रों की नाम भी सामने आई है। आप देख रहे हैं कि झारखंड में इंटरनेट सेवा जो है, आज परीक्षा थी जैसे सीजीएल की, कल भी परीक्षा है। मोहन जी, रोकूंगा मैं यहाँ पे, ये लिस्ट का क्या मतलब है, 21 लड़कों की लिस्ट से क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पेपर लीक का इतिहास जो है झारखंड में पुराना रहा है। एक भी ऐसी परीक्षा JPSC करा नहीं पाई है जब मतलब जिसका मसला अदालत न गया हो। JSSC की भी परीक्षा, ये जो हो रही CGA वाली परीक्षा, इसको भी कहा जा रहा है कि 8 साल के लंबे इंतजार के बाद करवाया जा रहा है, और ये चुनावी माहौल चल रहा है इस वक्त। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी दबाव में है, जिस तरीके से युवाओं को लेकर नौकरी और रोजगार के मसले पर विपक्ष उन पर हमलावर है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बन चुका है। JSSC CGL परीक्षा जो है उस पर खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि जेल जाकर लौटे हैं और उसके बाद वो अलग तरीके से फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो परीक्षा को लेकर जो उन पर दबाव हमेशा से रहा है, इस वक्त जो चुनावी माहौल है इसमें विपक्ष को कहीं ना कहीं मुद्दा मिला कि 5 लाख नौकरियों का अपने वादा पूरा नहीं किया, और तमाम जो चीज़ें हैं कि युवाओं को आपने देखा पिछले दिनों जब उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ चल रही थी उसमें कुछ युवकों की मौत हुई, और किस तरीके से भाजपा उस पर उसको लेकर हमलावर होती है हेमंत सोरेन पर, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन दबाव महसूस कर रहे हैं, और यही वजह है कि JSSC CGL परीक्षा जो है वो सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है, और यही वजह है कि आपने देखा हेमंत सोरेन ट्विटर पर खुद जो है तल्खी भरी भाषा के साथ। मोहन जी, बकायदा CM ने पोस्ट किया है किसी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के, और बकायदा उन्होंने जो है कड़े शब्दों में जो है चेताया है कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने, यहां तक कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, बावजूद इसके इस तरह की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद की उसका कहीं
कहीं ना कहीं जो है फायदा तो हुआ है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से आप देखिए कि परीक्षा हो गई है। आपने देखा भाजपा ने जब इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर हेमंत सोरेन को घेरा और पीआईएल तक की बात आई है सामने, तो इसको लेकर भी हेमंत सोरेन ने जवाब जारी किया और उस जवाब में ये बताया कि राजस्थान में भी बंद हुआ, दूसरे अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें रही हैं वहां पर भी इंटरनेट सेवा बंद करा करके परीक्षाओं को ठीक ढंग से सुचारू रूप से कराने के लिए सरकार को निर्णय लेना पड़ता है और सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को अपने हिसाब से तय कर सकती है कि अगर कहीं कोई खतरा लग रहा है, अगर कहीं दंगे भड़कने की संभावना होती है तो बंद करा जाता है ना इंटरनेट। उसी तरीके से अगर पेपर लीक हो रहे हैं लगातार तो इंटरनेट आज के दौर में, चूंकि इंटरनेट के जरिए आप देखिए पेपर लीक होने में समय नहीं लगता, किसी भी मैसेज के किसी भी एक अफवाह के फैलने में समय नहीं लगता, इंटरनेट इतना तेज माध्यम हो चुका है कि मतलब उसमें रफ्तार की कोई सीमा नहीं है। यहाँ से अभी तुरंत हमने लाइव किया और अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी हमें देख सकता है। तो यही वजह है कि आप देखिए जिस तरीके से पेपर लीक हुआ झारखंड में, आप देखिए पेपर छपने से लेके कहीं जा रहा है उसका बंडल, कहीं से एक भी अगर सील निकाल के अगर उसको कोई फोटो खींच के स्कैन कर लेगा और उसको शेयर कर देगा, तो आज जो इंटरनेट है वो तो मतलब एक इसका जाल तो समझ ही रहे किस तरीके से जो है विकसित हो चुका है कि तुरंत में वायरल हो जाती हैं चीजें। तो यही वजह है कि इंटरनेट बंद किया गया क्योंकि ये सरकार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। JSSCCGL की परीक्षा लंबे समय के बाद हो रही है और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है और चुनावी माहौल है, यही वजह है कि दबाव महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और अब एक बड़ी खबर आई है कि जैसे से CGL की परीक्षा जो है उसमें साजिश हो रही थी और दो लड़कों को पकड़ा है धनबाद पुलिस ने और भंडाफोड़ कहीं ना कहीं हो गया है उनके साथ। 21 लड़कों की लिस्ट और कुछ जो है कुछ परीक्षा केंद्रों के नाम की सूची भी उनके हाथ लगी है, कुछ परीक्षा केंद्र भी शामिल है, यानी कि इसको प्लान किया जा रहा था परीक्षा से पहले कहीं ना कहीं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद, इतनी चेतावनी के बाद भी जो है जो एक तरह से कहे जो गिरोह है, जो गैंग है, जो हमेशा जो है किसी न किसी वजह से इनपुट मिला होगा, सरकार को इनपुट मिला होगा कि इस परीक्षा में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की कोशिशें की जाएंगी और गड़बड़ इससे पहले हर परीक्षा में, तो झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें गड़बड़ियों का इतिहास कोई मतलब एक रवायत सी बन गई है कि झारखंड में परीक्षा होगी और फिर उसमें जो है कि गड़बड़ होगी, या तो पेपर लीक हो जाएगा या फिर उसके बाद अदालती मामले में CBI जांच में SIT जांच में वो परीक्षा जो है फंस जाएगी और चक्कर काटते रहेंगे विद्यार्थी जो है, सीरियल प्रदर्शनकारी यहाँ बन गए हैं। जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, वो सीरियल प्रदर्शनकारी बन चुके हैं झारखंड में। तो इसके लिए ही इंटरनेट सेवा बंद कराकर इस बार हेमंत सोरेन ने JSSCCGL की परीक्षा जो लंबे समय के बाद हो रही है इसको लेकर भी सवाल उठते रहे ना कि आखिर CGL की परीक्षा JSSC की जो परीक्षा है उसको समय पर क्यों नहीं कराया जाता है। आप देखिए JPSC की परीक्षा को लेकर अभी जो मुख्य परीक्षा है उसके रिजल्ट को लेकर कल एक खबर आ जाती है कि किस तरीके से लड़कों के पास फोन जा रहे हैं, उसका रिजल्ट आना है, चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है उसकी वजह से देरी हो रही है और लड़कों के पास फोन जा रहे हैं 6.5 लाख रुपया दीजिए, 4 लाख रुपया दीजिए और आप रिजल्ट जो है आपका बन के तैयार हम अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है फंसा जाता है, साइबर फ्रॉड भी चल रहा है उसको लेकर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया था। राजमोहन जी क्या कहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर इस तरह की जो है, मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया था कि जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, मतलब जो अफवाह फैला रहे हैं या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है सहम जाते इस तरह की खबरों से, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से कहा कि कोई गलती से भी गलती ना करे उसका उदाहरण है ये खबर कि आज CGL परीक्षा को लेकर जरा सी जो है एक भनक लगी, पुलिस को इनपुट एक मिला कि दो लड़के हैं और ऐसे ऐसे धनबाद में वो गए हैं तो उनको पकड़ लिया गया है, उनके पास से जो भी चीजें बरामद हुई है उसकी सूची जारी की गई है। अब देखिए लोहरदगा पुलिस उसमें अब कार्रवाई करेगी, धनबाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। सवाल ये है कि परीक्षा अगर सरकार नहीं करा पाती है तब भी सवाल उठाए जाते, परीक्षा का सरकार कराने की सोच रही है तब भी हम लोग सवाल उठाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो इतिहास रहा है और गड़बड़ियों का जो इतिहास रहा है झारखंड में कि कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें कोई पेपर लीक करने में लग जाता है, कोई जो है लग जाता है कि किस तरीके से उस परीक्षा में गड़बड़ की जाए, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ही कहीं सरकार ने सख्ती बरती और यही वजह है कि अब देखिए दो लोगों की हिरासत में लिया गया। तो बिल्कुल, तो ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही थी, फॉलोअप के माध्यम से हमने कोशिश किया कि
आपको अपडेट कर दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कल के लिए वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर के तैयारी करें। कल को लेकर के जो जिस तरीके से एग्जाम है आज जिस तरीके से सुचारू रूप से, अच्छा बड़ी बात यह है कि आज जितने भी सेंटर पे एग्जाम हुए कहीं भी किसी भी प्रकार की जो है इस तरह की खबरें नहीं आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी खबर है। कल के लिए बच्चे अपनी तैयारी करें, अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी तैयारी पूरी करें, और जिस तरीके से ये खबरें अक्सर जो देखने को मिलती हैं उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, अफवाहों से बचें, खासकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये अफवाह फैलाया जाता है उससे आप लोग बचें। तो फिलहाल हमें आप इजाज़त दीजिए, लाइव के माध्यम से हमने कोशिश की कि जो प्रकरण चला, दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद क्या बातें आती हैं वो भी हम आपको लाइव के माध्यम से वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।